आज टीटी है ट्रेन के अंदर, तो हम लोग आगे के डब्बे में जाएंगे और हालांकि हमारे पास टिकट है, इसीलिए हम सामने से जा रहे हैं टीटी के पास ताकि हमारी टिकट चेक हो, हमारे पैसे वेस्ट ना जाए। और हम लोग अभी खुनकुना के अंदर पहुंच चुके हैं। गाइस अभी हम लोग टीटी के सामने थे, हम लोगों को आज कोई डर नहीं है, हमारे पास टिकट है, पहले से हम लोगों के पास कॉल आ चुका था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आप लोग जुड़े हो मेरे कपिल जब व्लॉग्स लाइव के अंदर। अभी मैं आ चुका हूँ डीडाना, मैं पहुंच चुका हूँ CCR कैफे। CCR कैफे के अंदर और ये डबल फ्लोर पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं CCR कैफे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चाय मन बनती है, तो इसी बीच आपसे दिन मैंने मेरे को बोला था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी चाय मिलती है, तो इसी बीच ट्राई करने के लिए हम लोग आ गए हैं CCR कैफे। और अभी चाय वगैरह का बोल दिया तो अभी जाते हैं ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अच्छी चाय बनती है उससे ज़्यादा बेटर है या नहीं, तो अभी वेट करें। आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय, तो चाय पी लेते हैं मजे। और चाय पीने के लिए आए हैं मेन, तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, काफी फेमस बता रहे हैं सभी। तो पहले हम लोगों ने चाय पी ली और काफी टेस्टी थी, तो इसी बीच हम लोगों ने एक एक और ऑर्डर कर दिए और चाय काफी टेस्टी है। तो जो रेलवे स्टेशन और यहाँ पर है वो लमसम मेरे को समथिंग सेम ही लग रही है, और काफ़ी टेस्टी थी यहाँ की चाय भी, और काफ़ी मतलब मज़ा आया चाय पीने में। और अभी कैफे वगैरह मेन्यू है, तो अभी सब लोगों को पता नहीं है, तो ये बांगड़ कॉलेज के सामने का है, सामने एकदम सामने CCR कैफे के नाम से। और काफ़ी टेस्टी चाय भी मिलती है और इसी के साथ में जो फास्ट फूड वो भी काफ़ी टेस्टी मिलते हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरी कॉलेज में क्लास वगैरह है, तो इसी बीच में वो अटेंड करूँगा, और जब भी टाइम मिलेगा तो यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह वो भी खाने ज़रूर आएंगे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है, तो इसी बीच मैंने ट्राई करने का सोचा। और इसी बीच में हुसैन आफरीदी है, आशीष और देवाशीष जो हमारे कॉलेज फ्रेंड है, तो वो भी हमारे साथ में है, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छी लगी चाय, तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को चाय। और अगर आप किसी को भी ट्राई करना हो तो डीडवाना के बांगड़ कॉलेज के सामने CCR कैफे, तो वहाँ पर ज़रूर ट्राई करना, मेरे को तो काफ़ी टेस्टी लगी। और अगर आप लोग, मैं यहाँ की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अभी हम लोगों ने और चाय ऑर्डर कर दिए, तो अभी हमारी चाय का हम निकल चुके हैं कॉलेज के अंदर। गया हुआ था मेरे फ्रेंड के घर पर, तो भी वहीं से सीधे अभी मैं जा रहा हूँ वापस कॉलेज। निकल चुका हूँ कॉलेज अपने गांव के लिए, और अभी हमारे पास ये ओनली 15 मिनट, तो अभी 2:01 हो चुकी है और 2:16 पे आज हमारी ट्रेन, तभी मैं निकल चुके हैं और हम लोग काफ़ी फास्ट जाएंगे।
आज फिर से आ चुका हमारे लगेज वाला डब्बा। तो अभी आज इसी के अंदर बैठे रहेंगे, जाने वाले हम लगेज के अंदर बैठकर हमारे काम छोटे काटो और देखते हैं कि क्या रहने वाला है आगे का सीन। हमारी ट्रेन निकल चुकी है डीडोना से और अभी हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं। आ चुका है हमारे सामने छोटी काटू से, ये जाने वाले हैं जोधपुर तो घर पे। तो अभी गाइस ये घर पर जाने वाले हैं। क्या आप इस ट्रेन में आए हो? ना, हम सामने वाले में आए थे। ओ तो गाइस जो ट्रेन हम लोगों को डीडोना के अंदर क्रॉसिंग हुई, तो फाइनली जो ट्रेन हम लोगों को डीडोना क्रॉसिंग हुई उसी में आया था हेमंत सेन और पीछे हमारा लगेज वाला डब्बा जिसके अंदर हम सब दोस्त आए हैं। तो अभी इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हो चुके और मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे अपने घर। कुछ की तरह मैं वापस पहुंच चुके हैं हम लोग पानी पूरी की शॉप पर। आज पानी पूरी वाले से हो चुकी है हमारी फाइटिंग। चलो आज जल्दी क्या भागे भागे तो आए कोई। तो गाइस ये एसपी से भी पैसे मांग रहे हैं। कौन का बात बात हम फोन पे करे तो फोन पे बात भाई ने। देखो गाइस कितना गुस्सा आ गया भैया को। गाइस अभी खाने के अंदर है गाजर की सब्जी और चपाती, तो भी खाना खाते हैं और फिर जाते हैं यारों के अड्डे के अंदर। कल भी नहीं पहुंचा था और आज हम लोग CCR कैफे गए थे जो डीडोना का काफ़ी फेमस है और वहाँ की चाय काफ़ी फेमस है, तो इसी बीच ट्राई करने गया और अभी खाना खाते खाते मैं देखने वाला हूँ मूवी। तो अभी बाद में जाएंगे यारों के अड्डे पर। खाना पीना हो चुका है और अभी मैं देख रहा हूँ मूवी, तो अभी निकलते हैं यारों के अड्डे के अंदर और देखते हैं क्या सीन रहने वाला है आगे का। तो सूर्य प्रकाश तो खाना खाने के बजाय फ्रूट्स खा रहा है। गाइज आज मैं गया था CCR कैफे, तो वहाँ की चाय भी ट्राई की और साथ में जगमाल जी का इंटरव्यू भी लिया। और अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नए ब्लॉग्स के अंदर। रुको जरा सबर करो। गाइज मैं अपना ब्लॉग्स एंड कर चुका था, लेकिन मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने लाइटिंग का वीडियो जो क्लिप डाली थी वो कहाँ की है कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं न्यू ब्लॉग्स के अंदर।